नमस्कार दोस्तों, मैं स्वेल अंसारी, आप देख रहे हैं हमारे यूपी लाइव पंडित। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव पंडित। खासकर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां आरपीएफ के पोस्ट अमेठी कांस्टेबल विनोद यादव और विद्या माथुर ने महिला की कीमती सामान से भरा पर्स वापस कर पेश किया ईमानदारी का मिसाल। मामला अमेठी के रेलवे स्टेशन का है, जहां दोपहर में वाराणसी से अमृतसर से जाने वाली ट्रेन संख्या 13005 से संग्रामपुर थाने क्षेत्र के एक महिला जलंधर जा रही थी। भीड़ के कारण ट्रेन से चढ़ते उस समय उसका पर्स गिर गया। उधर आरपीएफ के पोस्ट अमेठी के तैनात कांस्टेबल विनोद यादव प्लेटफार्म पर ड्यूटी करने के दौरान उन्हें गिरा हुआ पर्स मिला, जिसे खोलकर देखने पर एक मोबाइल, 1000 रुपए नकद व सोने का चिप्स मिला। मोबाइल से नंबर खोजकर कांस्टेबल विनोद यादव कार्यालय के सहयोगी से फोन कराकर मामले की जानकारी महिला के माता पिता को दी। जानकारी परिजनों तुरंत आरपीएफ पोस्ट कमेटी जब पहुंचे, जहां उनकी पहचान कराकर सारा सामान उनके सुपुर्द कर दिया गया। अपने पूरे सामान पाकर महिला के परिजनों ने आरपीएफ पोस्ट पर तैनात विद्या माथुर ने कांस्टेबल विनोद यादव को धन्यवाद देकर उनकी ईमानदारी की सराहना की। पीड़ित की माता पिता अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। नाम है आपका? अमरावती। जो सामान मिला है आपको आपके द्वारा? हाँ जी। किसका सामान है? लड़की का है सर। कहाँ जा रही थी लड़की? अम्बाला। तो कैसे आपको पता कैसे चला? सर वो फोन किया था वहाँ से तो चला था पता। अच्छा, तो क्या क्या था उसमें? पैसा था, मोबाइल था, कान का था। सब बरामद हो गया आपको? जी हाँ।